हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा है भाई 17 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसकी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम बी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को देखिए कैसे करेंगे भाई। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारा वहाँ पे देखो, ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम दिया है, इन विच एंगल ए हमारा 50 डिग्री है भाई। ए हमें जो दिया है वो 50 डिग्री दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। तो हमने बी बी सी बी और डी बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर भाई एंगल को फाइंड आउट। जो हमारा ए है और बी है, सबसे पहले आपको ना एंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होता है। हमने पहले बात की थी कि एंगल ए और बी दोनों के दोनों सेम साइड पे ट्रांसवर्सल, और साथ ही साथ बोल सकते हैं इनको कि ये को इंटीरियर एंगल है भाई। पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल है जिनका सम होता है 180। ए प्लस बी इज इक्वल टू करे तो 180 होता है, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम ए हमारा इक्वल होगा सी के। ए का अपोजिट एंगल सी है, ए के सामने देख लो सी है भाई, तो अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है जिनका यूज करेंगे हम आज। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी, जो एंगल ए है हमारे पास यहाँ पर, एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू किसके होगा भाई, 180 के होगा। रीजन में क्या लिखोगे आप, को इंटीरियर एंगल। क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, ये रीजन है इसका। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो भाई। एक एंगल कितना दिया आपको, 50 दिया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे 50 प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 50 को साइड भेज दो भाई, 180 से माइनस हो जाएगा ये, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 130। कितनी आ जाएगी भाई, तो जो एंगल बी होगा आपका वो कितना होगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये हो गया अपना यहाँ पे 130। कितना हो गया भाई, 130। अभी अभी मैंने आपको दो मिनट पहले बताया था कि जो एंगल ए है किसके अपोजिट है, सी के। सी के आमने सामने है, तो जो हमारे पास आमने सामने वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है भाई, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी के होता है। क्या लिखोगे आप, एंगल जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। और रीजन में क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ना ये, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है भाई। क्या लिखा हमने कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। बस आपको दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, को इंटीरियर और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ए सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए के अपोजिट सी है ना, तो वो इसके इक्वल हो गया। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, 50 दी हुई है, तो ए की वैल्यू अगर 50 है तो सी भी क्या हो जाएगा भाई, सी की वैल्यू भी 50 हो जाएगी। तो एंगल सी आएगा जो हमारा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 50। सेम टू सेम ये लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है, बी वाला ले लेना है भाई, ठीक है। बी वाले में क्या लिखोगे आप, कि जो आपका एंगल बी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो एंगल जो बी है आपका वो किसके इक्वल होगा भाई, बी के अपोजिट कौन सा है, डी है उसके सामने, डी के। रीजन में क्या लिखेंगे, यही लाइन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है भाई, ये लाइन लिख देंगे। बी की वैल्यू आपको पता ही कितनी है, 130 है, 130 पुट कर दो, तो डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, 130 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने सारे एंगल निकाल लिया भाई। ए की वैल्यू आपकी आई है 50, शुरू में गिवन थी वो, तो बी की 130 आई है, सी की 50 आई है, और डी की फिर कितनी आ गई भाई यहाँ पे, 130, यही लिख देता हूँ मैं ये। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एंगल निकाल लिए, बिल्कुल ही ईजी है यहाँ पे करना। बस दो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है, और मोस्टली सभी क्वेश्चनों में यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम यहाँ पर। इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया भाई, एंगल ए दिया आपको ये और एंगल बी दिया आपको ये, एंगल सी दिया आपको ये। तो आपने पहले तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद निकालने हैं सारे एंगल, ठीक है। तो फिगर की तरफ चलते हैं भाई, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, और ये जो दो एरो के साइन है इसका मतलब ये दोनों दो एरो वाले दोनों पैरेलल हैं, और ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में हमने यूज किया वही फॉर्मूला वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम। ए हमारा सी एंगल के क्या होता है भाई, अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखना आपने एंगल ए आपका किसके इक्वल होगा भाई, एंगल सी के। और रीजन में क्या देना है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज करनी है। ए और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आपके पास कितनी, 2x प्लस में 35 है, ठीक है भाई।
और दूसरे वाली वैल्यू कितनी दी आपको, 3x माइनस में 5, ठीक है, 3x माइनस में 5। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को एक साइड, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड, 2x इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस, और ये माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का, तो 35 इस साइड आके 5 प्लस हो जाएगा, उस साइड 3x था और ये 2x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 35 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 40 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3x में से 2x गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 40 आ गई। पहला पार्ट था जो हमारा वैल्यू ऑफ x निकालने वाला, वो हमने निकालनी है, क्या x की वैल्यू 40 निकाल ली है, ठीक है। अब निकाल लेंगे सभी एंगल्स, ठीक है भाई। तो पहले यहाँ पर इनके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा एंगल ए क्या था भाई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंगल ए दिया हुआ था आपको कितना, 2x प्लस 35। x की वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पर, कितनी आई आपकी, 40 आई है, 2 इंटू में x की वैल्यू 40 प्लस में 35, 42 से कितना होता है यहाँ पर, 80 होता अपने पास, प्लस में 35 ऐड करना है, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 115 हो जाएगा। तो आपकी ए एंगल कितना आ गया यहाँ पे, 115 आ गया ए यहाँ पर, अगर 115 आया है तो बी भी कितना, सी है जो उसका अपोजिट एंगल, वो भी कितना होगा भाई, सी भी 115 होगा, क्योंकि ए एंगल सी के इक्वल है, किसके भाई, ए एंगल सी के इक्वल है, ए की जो वैल्यू होगी वही सी की होगी, तो ए की वैल्यू 115 है, सी की वैल्यू 115 ही होगी। अगर आपको निकाल के देखना फिर भी यहाँ पे पुट कर सकते हो 40 को, 43 जगह कितना होता है भाई, 120 में से 5 माइनस करोगे तो 115 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए और सी एंगल निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे वाले निकालते हैं बी और डी। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे पढ़ा था, ए और बी का सम होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, 180 के होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल जो बी होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, 180 के इक्वल होता है। रीजन में क्या दोगे, को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, को इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, को इंटीरियर एंगल लिख देंगे। तो ए प्लस बी हमारा 180 है, ए की वैल्यू कितनी आई है, 115, यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ, चलो मैं ए की वैल्यू 115, सी की वैल्यू भी 115 आई है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 115 पुट कर दो भाई, प्लस में बी एज इट इज इक्वल टू 180, ए 115 प्लस का उसट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 180 माइनस में 115। अब माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भाई अपने पास, माइनस कर लो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर, 10 में से 5 गया 5, 7 में से बन गया 6, तो 65 आ गई बी की वैल्यू, कितनी आ गई भाई, बी की वैल्यू 65 आ गई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी की वैल्यू आई अपने पास 65 डिग्री। अब आपको पता है बी किसके अपोजिट इक्वल होता है, डी के, तो बी डी के इक्वल होगा, यहाँ दिख लेना आपने कि जो बी एंगल है वो डी के इक्वल होगा। रीजन में क्या दोगे आप यहाँ पर, वही ये वाली लाइन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख दो यहाँ पे भी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये लाइन लिख देनी है। अब बी हमारा क्या है, 65 है, तो यहाँ पे लिख दो 65 इक्वल टू डी, कितना अपना निकालना था वो, तो डी भी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पे 65 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, डी की वैल्यू 65 आ गई, ठीक है भाई। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके चारों एंगल निकाल सकते हैं भाई, ए बी सी और डी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए हमें क्या दिया भाई यहाँ पर, इन द जॉइनिंग फिगर साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ई, जो ए बी साइड है हमारी ए और बी, उसको प्रोड्यूस किया गया आगे तक ई पॉइंट तक, ठीक है भाई, हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ई पॉइंट तक। उसके बाद इफ एंगल सी बी ई 75, सी बी और ई, ये सी बी ई जो हमारा बाहर दिया है 75 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने इसका हर एक एंगल निकालना है भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने किया था एक लीनियर पेयर एंगल, याद होगा आपको लीनियर पेयर क्या था भाई हमारे पास, यहाँ साइड में बताता हूँ एक बार, लीनियर पेयर होता है जब एक हम लाइन के ऊपर ये टोटल एंगल बनता ना, ये बनता है 180 का, किसका बनता है भाई, ये 180 का। तो हमने यहाँ पर ये 180 का ये एंगल बनाना है, उसके हिसाब से निकालेंगे हम। अंदर देखियो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं भाई तो ये पूरा 180 का बन रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से एंगल मिलकर 180 के बने हैं वो देखो, सी बी ए, कौन सा एंगल भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एंगल सी बी ए प्लस में एंगल जो दिया हुआ हमें सी बी ई, सी बी ई इज इक्वल टू कितना भाई, ये सी बी ई और सी बी ए, ये दोनों मिलकर बने हैं किसके, 180 है, किसके भाई, 180 के। रीजन में आप लिख सकते हो यहाँ पे लीनियर पेयर, क्या लिख सकते हो भाई, लीनियर पेयर, ठीक है भाई। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल हमने निकालना है यहाँ पे, ये हमें दिया हुआ है 75 दिया हुआ, कितना दिया भाई, सी बी 75, तो एंगल सी बी ए हमें कितना दिया भाई, ये वाला, ये निकालने के लिए वाला दिया हमें 75 इज इक्वल टू 180, ठीक है भाई।
अब सी भी ए कैसे निकाल लेंगे, उस साइड जाके भेज देंगे उसको, माइनस में चला जाएगा ये 180 साइड एज इट इज, और ये जाके उस साइड 75 माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सी बी ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास भाई, यहाँ पर यह आ जाएगी अपने पास सी बी ए की वैल्यू, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 105 बचेगा भाई, कितना बचेगा 105 डिग्री बच गया। सी बी ए कितना बच गया भाई यहाँ पे 105, तो अंदर वाला ये जो एंगल होगा अपना ये कितना हो जाएगा भाई 105 डिग्री, कितना हो गया ये 105। अगर बी एंगल ये 105 है, बी किसके अपोजिट है भाई डी के, तो डी भी कितना होगा 105, तो आपने लिख देना है यहां पर जो आपका एंगल है बी, एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, एंगल डी के इक्वल होगा, किसके होगा डी के, क्यों होगा रीजन में भाई, क्या लोग लिखोगे यहां पे आप, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई इसके पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, हम कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पर इक्वल, तो बी की वैल्यू आपको पता भी है रही, आपकी बी की वैल्यू, बी वाला एंगल कितना दिया आपको 105 है, तो बी की वैल्यू 105 पुट कर देंगे इज इक्वल टू एंगल डी, तो डी भी कितना आ गया भाई 105 आ गया, तो यहां पर डी की वैल्यू भी लिख दो भाई कितनी आ गई 105 डिग्री। अब निकालना हमने सी और ए, क्या निकालना भाई सी और ए, अब यहां पे देखिए मैं को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, सेम साइड पर ए और बी को ऐड करता हूं तो किसके इक्वल होता है भाई वो 180 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल, तो लिख लेना आपने यहां पे, यहीं पे लिख देता हूं चलो मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 180 के, रीजन में क्या लिखोगे आप, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एन है भाई, ठीक है ये को इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। उसके बाद ये एंगल का साइन डाला भाई मैंने यहाँ पे, ए की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर, ठीक है भाई, प्लस में बी की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई अभी कितनी 105, कितनी 105 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए क्या आ जाएगा भाई आपका 180 साइड एज इट इज, 105 साइड आगे माइनस करेंगे तो कितना बचा भाई आपका, बच जाएगा 75 डिग्री, तो जो एंगल ए है वो कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 75 आ गया, कितना आ गया ये 75, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू ए की, ये रहा भाई 75 डिग्री। अब ए किसके अपोजिट है, ए है भाई सी के अपोजिट, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि एंगल ए है जो वो किसके इक्वल होगा भाई एंगल सी के, रीजन में क्या लिखोगे यही वाला लाइन, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल होंगे जो आपके, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है भाई, लाइन लिख देनी आपने ये, तो ए क्या आपके पास 75 है भाई, सी आपने निकालना है यहां पर, तो सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 75, तो आ गया भाई यहां पे 75। तो इस तरीके से हम सारी प्रॉपर्टी यूज करके लीनियर पेयर, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, को इंटीरियर, आपने देखो होगा अभी तक इस एक्सरसाइज में मोस्टली ये अपोजिट एंगल वाली और को इंटीरियर वाली ज्यादा यूज हो रही है, तो ये मोस्टली ज्यादा यूज हो रही है, इसको ध्यान देना। लीनियर पेयर हम पिछली एक्सरसाइज में भी यूज की थी और अभी भी यूज हो रही है भाई, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया हो भाई, इन द फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर आपको ए बी लेंथ दी है 8.5, ए बी की जो लेंथ है वो दी आपको 8.5, एंड इट्स पैरामीटर इज ए, इस पैरामीटर कितना दिया इसका टोटल का 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने लेंथ निकालनी है बची हुई, इसकी लेंथ क्या होगी इसकी और इसकी, ठीक है, ये लेंथ निकालनी है हमने। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या होता है अपने पास, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे यहाँ पे कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है अपने पास, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम सभी साइड का सम लिख लो, साइड कौन कौन सी है, ए बी, प्लस में क्या भी अपने पास बी सी है, प्लस में क्या भी आपके पास सी डी है, प्लस में क्या भी आपके पास ए डी है, ठीक है। तो आपने सभी के सभी ऐड कर लेने भी यहाँ पर, ए डी लिखना है यहाँ पे, सॉरी ए डी, ठीक है भाई, ए डी है यहाँ पे, ए डी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, टोटल का सम पैरामीटर होता है कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है ये 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इन सभी का 24 दिया हमें यहाँ पर, तो सभी का सम हमें यहाँ पे कितना दिया भाई 24 दिया हुआ है, ठीक है, पैरामीटर। अब हमने यहाँ पर ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। ए बी की वैल्यू तो हमें गिवन है 8, ए बी की वैल्यू 8.5, डी सी की और ए डी की नहीं पता हमें, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, ए बी होगा जो हमारा वो किसके इक्वल होगा भाई, हमारा ए बी लाइन होगी वो डी सी के इक्वल होगी, किसके होगी डी सी के। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम रीजन में कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस ऑफ पैरेललोग्राम की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई,
8.5 है यहाँ पर डीसी, तो डीसी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पर अपने पास 8.5 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8.5। सिमिलरली एडी हमें नहीं पता क्या है, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं इसकी वैल्यू एक्स मान लो। क्या मान लो इसकी वैल्यू एक्स मान लो आप यहाँ पे, लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि जो एडी है वो आपका किसके इक्वल अभी एक्स के इक्वल मान लो। क्या मान लो एक्स मान लो, हमें निकालना है ठीक है। तो एडी किसके इक्वल होगा भाई आपका, एडी किसके इक्वल होगा, इसके पोजिट है बीसी, बीसी के इक्वल होगा भाई, रीजन में वही लिख देना जो भी लिखा था हमने, पैरेलल लाइंस ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है भाई। ये रीजन लिख दोगे आप यहाँ पे, एडी की वैल्यू क्या आपकी एक्स माननी है आपने, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा भाई बीसी के इक्वल, यानी कि बीसी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्स ही आ जाएगी ठीक है। अब सारी वैल्यू आ चुकी है भाई आपके पास, और इसमें पुट कर देनी है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 8.5, लिख दो यहाँ पे 8.5 प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी मानी है भाई आपने, बी सी की वैल्यू एक्स है प्लस में, उसके बाद सी डी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, सी डी ए रहा डी सी या सी डी ए की बात है 8.5 प्लस में, बाकी बचा ए डी, ए डी कितना भी आपका ये रहा, ए डी आपने एक्स माना था तो एक्स है इजल टू 24 टोटल था भाई, कितना था 24 टोटल है। अब जोड़ लो 8.5 और 8.5 कितना होता है भाई 17 होता है, 17 लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस में, एक्स और एक्स कितने हो गए भाई 2x हो गए, कितने हो गए 2x इजल टू 24, ये 17 प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं बाकी बचा हुआ, तो 2x इजल टू बच जाएगा 24 माइनस में 17, माइनस करके बचा भाई यहाँ पे अपना 7, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आगे भाई काटेंगे तो 3.5 आया, कितना भाई, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3.5। एक्स किस किस को माना था हमने यहाँ पे देख लीजिए, ए डी को माना था तो ये भी 3.5 आ गया यहाँ पे, बी सी को एक्स माना था तो बी सी भी कितना गया भाई 3.5 आ गया, और डी सी तो अपना यहाँ पर 8.5, सारी वैल्यू आ गई मैं लिख देता हूँ भी कौन कौन सी आई है, ये 8.5 आई है, ये 3.5 आई है, और ये भी 3.5 आई है। तो इस तरीके से हम इसके सारी वैल्यू या जो साइड्स हैं वो निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी था भाई, इस तरीके से कर सकते हैं इसे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देगी आपको, कह दिया अभी 5th क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, जो हमें ए बी सी डी दिया भाई एक हमारा रोम्बस है ये, जिसके अंदर हमें एंगल दिया भाई कितना 40 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला बी ए सी 40 डिग्री हमें ये दिया हुआ भाई ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए भाई हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, रोम्बस क्या होता है भाई, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोम्बस हैज ऑल इक्वल साइड ठीक है भाई, पहले लिख लेते हैं रोम्बल की सारी साइड इक्वल होती है भाई ठीक है, रोम्बस हैज ऑल इक्वल साइड। उसके बाद फिर देखो यहां पर रोम्बस का नाम क्या पूरा भाई, ए बी सी डी है, क्या नाम रोम्बस का, रोम्बस का नाम है पूरा ए बी सी डी पूरा, और उसको दो पार्ट में तोड़ा हुआ है भाई बीच में से ए सी लाइन से, ए सी लाइन है ना हमारी ये, इस साइड और इस साइड दोनों हाफ हाफ कटे हुए भाई है ठीक है। तो दो ट्राइंगल बन गए इससे, क्या बन गए ये दो ट्राइंगल बन गए, एक तो बना है ए बी सी, लिख देता हूं मैं यहां पे ट्राइंगल ए बी सी, और प्लस में ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा भाई ए डी सी ठीक है भाई। तो ये दो ट्राइंगलों से मिलकर बनता है रोम्बस ए बी सी डी, यहां रोम्बस भी लिख देता हूं चलो मैं ठीक है, रोम्बस ए बी सी डी बनता है इन दो ट्राइंगलों से मिलकर ठीक है। उसके बाद अब मैंने बोला है रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है भाई, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, डी सी इक्वल हो जाएगा ए डी के। तो अगर मैं बोल दूं ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड, चारों साइड इक्वल है, तो इट मीन्स अब एक ट्राइंगल मैंने जो नाम दिया है ए बी सी, इसकी ये दो साइड इक्वल है भाई, क्या ये दो साइड, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है तो कौन सा ट्राइंगल होता है भाई, वो आइसोसेलस ट्राइंगल होता है, क्या होता है आइसोसेलस। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाम ले लेते हैं पहले वाले का ए बी सी ले लेते हैं, चलो पहले क्या ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें पता है दो साइड इक्वल है कौन सी भाई, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दो साइड इक्वल अपनी ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये रोम्बस का सारी साइड इक्वल होती है भाई, हमें पता है यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी हो गया भाई यहाँ पे, क्यों हुआ है आप बोल सकते हो, यहाँ पे रोम्बस की इक्वल साइड है और ए बी इक्वल टू बी सी है, दैट्स वाई ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल ठीक है भाई। तो इसकी दो साइड इक्वल होने की वजह से ये आइसोसेलस ट्राइंगल बन गया भाई ठीक है। अब यहां पे देखो एक बात,
अब यहाँ पे मैं एक आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिसका यूज होगा यहाँ पे, और बहुत ही मेन प्रॉपर्टी, अभी आगे भी यूजेज होती है बड़ी क्लासेस में। ध्यान से देखो, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल होगी। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखो ये साइड है, इस साइड के अपोजिट, इसके सामने कौन सा एंगल है भाई, 40 है, कौन सा है 40, ठीक है। अब ये साइड है, ये भी इक्वल है इसके, इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है भाई, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, जो मैंने बोला, अभी ध्यान से सुन लो भी क्या बोला है। अगर दो साइड इक्वल हैं, ए बी इक्वल है बी सी के, ये दो साइड इक्वल होगी। अब इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे, इस साइड के सामने कौन सा एंगल और इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, वो भी इक्वल होंगे। ध्यान से देखो, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ऊपर सी एंगल है, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, नीचे भी 40 है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ए बी सी, एंगल का नाम देख लो भी, बी ए सी जो हमें गिवन था स्टार्टिंग में, एंगल बी ए सी हमारा इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी ए के, किसके, बी सी ए के। रीजन क्या दोगे आप, अपोजिट, आप यहां पे रीजन में लिख सकते हो या तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो आप, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। रीजन क्या है, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके एंगल दो इक्वल होंगे। रीजन में आप यहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिख सकते हो, रीजन में क्या लिख सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, ट्रायंगल बना देना है, लिख देना है यहाँ पे, मैंने ट्रायंगल बना दिया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने बोला था कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बी ए सी की। आपके पास क्या वैल्यू दी है, बी ए सी की 40 दी है, तो 40 रख देंगे भाई यहाँ पर, इज इक्वल टू बी सी ए। तो बी सी ए की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, 40 आ गई, यहाँ पर रख दो, ये भी कितना हो गया अपना 40 हो गया भाई, कितना हो गया अभी 40 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो अब तीनों का सम कर देते हैं भाई, इसका भी सम, इसका और इसका, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है भाई, 180 होता है। तो लिखो यहाँ पे बी ए सी एंगल प्लस में एंगल बी सी ए, बी सी ए प्लस में एंगल, ये कौन सा भी अपने पास बी है, या तो बी ही नाम रख लो या फिर इसका ए बी सी लिख दो, क्या लिख दो, ए बी सी इज इक्वल टू, टोटल कितना होता भाई 180 होता है, लिख भी सकते हो यहाँ पे सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है भाई, कि एंगल का सम किया हमने ट्राइंगल के यहाँ पे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लगी है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी है भाई इसकी, 40 है, 40 रख दो। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ये भी 40 है, 40 रख दो। ये हमने निकालनी है स्क्वायर इट इज। अब यहाँ पे जोड़ो 40 40, 80 हो जाएंगे, 80 साइड प्लस का हो गया भाई, प्लस में ए बी सी इज इक्वल टू 180, 80 साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 180 माइनस 80, ये आ गई अपने पास भाई 100, कितनी आ गई है 100। तो जो हमारा ये वाला होगा ना, ये एंगल, ये कितना होगा भाई 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100, कितना हो गया भाई 100। उसके बाद फिर देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने ये वाले एंगल भी निकालने हैं, ये वाले, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये एंगल है ना, ये वाला, ये इस साइड इसका ऑल्टरनेट है, किसका, ये इसका, ये लाइन किस साइड है, ये लाइन किस साइड है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं भाई, क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल, नाम रखो इसका ए बी, सॉरी बी सी ए, जो एंगल बी सी होगा, बी सी ए होगा, वो इक्वल होगा किसके भाई, डी ए सी के, किसके, डी ए सी के, ठीक है भाई। तो यहाँ पे डी ए सी के लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो बी सी ए की वैल्यू कितनी है अभी आपकी, रीजन में लिख देना आपने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू तो आपको 40 दी है, और डी ए सी आपका निकल जाएगा यहाँ से, तो डी ए सी की वैल्यू भी इसकी कितनी आ गई भाई, 40 आ गई, किसकी आ गई 40। सिमिलरली फिर ये एंगल है जो इस साइड का ऑल्टरनेट हो जाएगा, किस साइड का, ये एंगल है जो इस साइड वाला, ये इसका ऑल्टरनेट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ये भी कितना हो जाएगा 40 है, तो ये भी 40 होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको सेम टू सेम ये वही लाइन, कि जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर कितना, बी ए सी, एंगल बी ए सी आपका इक्वल होगा एंगल किसके, ऊपर देखो डी सी ए लिखा है, क्या लिखा भाई, डी सी ए, रीजन में वही लिख देना ऊपर वाला जो लिखा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। तो ये किसकी वैल्यू कितनी गिवन भाई, 40 है, तो 40 है तो ये कितना हो जाएगा, डी ए सी, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एंगल बी है, इसके अपोजिट क्या भाई, एंगल डी है, ये भी कितना होगा 80 होगा, हमने पहले पढ़ रखा है ना कि जो एंगल बी है वो किसके अपोजिट एंगल
डी के, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, भी रीजन में लिख सकते हो, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। तो बी की वैल्यू कितनी अभी 100 है, तो डी की भी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, तो ये भी कितना हो गया यहाँ पे भाई 100 हो गया, अपना कितना हो गया 100। इस तरीके से इसके सभी एंगल निकाल दिए मैंने। अब देख लो कौन कौन सा पूछा था, ए सी बी पूछा था, ए सी बी कितना आया भाई 40 आया है, ए सी बी कितना आया भाई 40 आया है, तो यहाँ पे 40 लिख दो। उसके बाद ए बी सी देखो क्या बोला था, ए बी सी ये कितना है 100 आया है, तो इसकी वैल्यू आई आपकी 100 लिख दो। उसके बाद थर्ड में पूछा था ए डी सी, ए डी सी ये कितना है, ये भी 100 आया है, तो इसकी वैल्यू भी 100 होगी। अब ए सी डी देखो क्या दिया था, ए सी डी ये कितना है 40 आया है, तो ये 40 हो गया। अब ये देखो सी ए डी, सी ए डी यानी कि ये वाला, इस साइड वाला, ये 40 आया तो 40 लिख दो। अब देख लो सारे एंगल निकल चुके हैं भाई अपने, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, ठीक है।